सो गाइज हम निकल चुके हैं चक्राता की और पूरा जन्नत लग रहा है गाइज, पूरा जन्नत यार। ये देखो ये तो लद्दाख वाला सीन हो गया गाइज। ये देखो फ्रेश अभी अभी लैंडस्लाइड हुए हैं अंकल जी का, कि जो हमें पेट्रोल प्रोवाइड करवा रहे हैं। अंकल जी बहुत धन्यवाद आपका पेट्रोल देने के लिए। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अभी मैं हूँ देहरादून में, एक जगह पड़ती है झाजरा, वहाँ पर किसी गेस्ट हाउस में रुका हूँ। तो अभी देखो सुबह के बज रहे हैं 7:30, अभी फैमिली के साथ आ रखा हूँ मैं, और क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट करने का प्लान बनाया, सोचे थे जल्दी करेंगे, लेकिन नीचे जो रिसेप्शन में पूछा तो ब्रेकफास्ट वो मिलेगा 8:30 तक। तो तब तक मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ का वेदर बहुत ही ऑसम हो रखा है आज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखो यार, अभी सुबह 7:30 बज रहे हैं, 7:40 हो रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई बारिश लगातार ही हो रही है। ये लोकेशन है बाहर की, और क्या बोलते हैं, अभी जब मैं सुबह 5:30 उठा था तो पूरा यार जैसे ऐसा लग रहा था कि यार पूरा काला ही काला हो रहा है पूरा मौसम। और हमें जाने का, हमारे जो जाने का प्रोग्राम बना है वो चक्राता का बना है। तो देखो यार आगे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, वो अभी आपको सीधे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको मेरे को फॉलो करना है, वीडियो देखते रहिए, प्लीज़ स्किप मत करना। है चक्राता जाने का प्रोग्राम, और सुबह के बज रहे हैं 9 एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करा है तो उसमें टाइम लग गया है। तो अब देखते हैं भाई चक्राता में, अभी तो यहाँ पर बारिश हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चक्राता में क्या मॉल बनता है देखते हैं, कहाँ का जा सकते हैं पॉसिबल है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि भाई बरसात हो रही है, थोड़ा सा रिस्क होता है बरसात वाले मौसम में। तो चलो देखते हैं जाकर क्या होता है क्या नहीं होता चक्राता। सो गाइज हम निकल चुके हैं चक्राता की, और सब ब्रेकफास्ट वगैरह करके, जैसे वहाँ पर हम जहाँ रुके थे हम होटल में ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया, और हमारे साथ एक और फैमिली ऐड हुई है जो कि मेरे बड़े मामा जी की फैमिली है। उसकी आप जैसे कि आगे देख सकते हैं अल्टो मेरा भाई चला रहा है गाड़ी, छोटा कज़न भाई है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यार, हम चाहे तो जल्दी निकल सकते थे, 9:00 हमारा निकलने का मकसद ये था, क्योंकि यार एक तो मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा था सुबह सुबह, 7-8 बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब बारिश थोड़ी कंट्रोल में हुई है तो लग रहा है कि हाँ चलो चलने लायक है रास्ता, क्योंकि अगर बहुत तेज़ बारिश में भी जाया जाए तो फिर ऐसे में फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो गाइस मैं ये विकास नगर वाली रोड पे जा रहा हूँ, वैसे तो चक्राता रोड है, चक्राता की तरफ जा रही है, विकास नगर पीछे रह गया। गाइस मैं आपको एक चीज़ बहुत ही यार बढ़िया सा नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब बारिश इतनी तेज हुई है और बारिश के बाद देखो यार क्या नज़ारा है यार। गाइस ये देखो यार, पूरे ऐसे लग रहा है कि बादल ही नीचे आ गए, पूरा जन्नत लग रहा है गाइस, पूरा जन्नत यार। ये देखो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा बढ़िया लग रहा है यार, चक्राता में तो और बढ़िया होगा। चलो भाई चलो यार, चक्राता से मात्र 30 किलोमीटर दूर हूँ, और गाइज यार यहाँ का यार क्या बताऊँ यार, ऑसम बिल्कुल यार, मज़ा आ गया सही में यार, लग रहा है कि भाई बढ़िया जगह पे आ रखा हूँ। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया है कि मौसम बढ़िया भाई, गाइज मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, आप जैसे कि देख सकते हैं। नीचे यार थोड़ा एलिवेशन इसका ज़्यादा है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, और नीचे का भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए बैक कैमरे से ऐसे दिख रहा है नीचे का, और ये पीछे का मैं बता देता हूँ, ये चक्राता रोड है, यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर रह गया चक्राता। और काफ़ी यार अभी हमारी गाड़ी चल रही है और लग नहीं रहा कि मतलब यार पूरा जैसे एक दूसरा रूट है, एक जैसे मसूरी धनौल्टी वाली रोड भी जाती है, तो उस पर तो बिल्कुल यार ऐसा लगता है कि भीड़ ही भीड़ जा रही है, ये तो बिल्कुल खाली हो रहा है भाई पूरा। इस मौसम में तो ऑसम है भाई आना चक्राता। भाई कैसा लग रहा है? मस्त है ना मौसम? अच्छा, दिल्ली बकवास है। तो यही है गाइस, देखो आप जैसे कि देख पा रहे यार ऊपर से बरसात हुई है तो सीधा बरसात, अरे भाई 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 कैमरा भीग जाएगा, बरसात का पानी हो रखा है।
देखो एक पॉइंट पे हम रुक रखे यार, यार क्या बढ़िया है यार, बढ़िया सीन हो रखा है बिल्कुल यार। ध्रुव भाई भी काफी इंजॉय कर रहा है, रात भर नहीं सोया, तब भी देखो यार एनर्जी देखो इतनी बढ़िया बंदे की यार, अब तक पूरा ट्रैवल करते हुए आ रहा है मस्त एकदम, भाई जन्नत है, पूरा जन्नत है भाई जन्नत। 2100 रुपए बचा लिए नेकी फैमिली में, कैसे बचाए वो भी बता दो, पूरा ट्रैवल करके भाई साहब, और ये सिर्फ एक ही शख्स के वजह से, ध्रुव द प्रो राइडर के वजह से। मैंने क्या करा, पूरी रात भर यार गाड़ी चलाई, बढ़िया टैलेंट है भाई, टैलेंट है, इतनी तारीफ मत करो। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है कि कोरा ही कोरा है ऐसा, बिल्कुल आगे का मतलब नीचे की विजिबिलिटी नहीं कुछ हो पा रही, दिख नहीं पा रही यार, और एकदम से जो जो हम हाई एलिवेशन पे चढ़ते जा रहे हैं पूरा यार मौसम ही यार बिल्कुल खराब होता जा रहा है, मतलब बिल्कुल यार देख, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा पूरी धुंध ही धुंध आ गई है, हम नीचे नीचे ट्रैवल कर रहे थे तो हमें इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन यार ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते जा रहे हैं, और ये कुछ ही मिनटों में हुआ है ऐसे, अभी नीचे तक पूरा साफ था ये। गाइस ये देखो, गाइस ये देखो, फ्रेश फ्रेश अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है, जेसीबी वगैरह निकाल रहे हैं इसको।